नमस्कार, नया बिहार सेवन में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। बिहार सहरसा किरतपुर बरहरा निवासी बच्चा लाल यादव अपने पिता प्रमोद यादव और बड़े भाई सुभाष यादव के साथ राजस्थान के कोटा में मेहनत मजदूरी करता और एक साथ रहता था। अपने माता के कहने पर दीपावली और छठ की छुट्टियों में त्यौहार मनाने के लिए वो कोटा पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए बिहार आ रहा था। सफर के दौरान रास्ते में बड़े भाई सुभाष यादव को ट्रेन में नींद आ गई और कानपुर रेलवे स्टेशन पर छोटा भाई बच्चा लाल यादव पानी लेने के लिए उतरा और ट्रेन खुल गई। वो छोटा भाई, जिसके बारे में उसके माता पिता बता रहे हैं कि वो दिमागी तौर पर बीमार भी है, और रेलवे स्टेशन पर छूटने के बाद वो बाहर निकला और किसी गाड़ी वाले से अपने मोबाइल को चार्ज करने के बाद अपने माता पिता को सूचना दी कि वो कहां पर है। अंतिम बार 19/10/2024 को उस लापता लड़के ने अपने माता पिता से संपर्क किया था। उस वक्त से लेकर अब तक उसका अपने माता पिता से कोई संपर्क नहीं है। सुभाष यादव जब पटना पहुंचा तो उसने अपने सभी सगे संबंधियों को इस बात की सूचना दी कि उसका छोटा भाई बच्चा लाल यादव कानपुर स्टेशन पे पानी लेने उतरा और लापता हो गया है। इस सूचना को सुनने के बाद सभी परिजन एक दूसरे से संपर्क करने लगे, उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है। जब मैंने अपने चैनल पर उसकी माता यानी लापता युवक बच्चा लाल यादव की माता और भाई से उस पूरे घटना के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने भावुक होकर क्या कुछ बताया, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ, पहले अपन नाम बताओ। नाम हीरा देवी। कहीं जोर से बाजू। हीरा देवी। हाँ, नहीं कानू, हाँ जे जे हम पूछे छी से आराम से। घर कत के? बरहरा। बरहरा की केना केना अहाँ के बेटा रहे, केना केना कत से लापता छे सब हमरा बताओ पूरा घटना। पानी पिया उतरले ट्रेन पर से, ट्रेन में बड़का बेटा कत उतरले ट्रेन से, ट्रेन पर से उतरले कानपुर से, कानपुर चौक पर के खेबो कल के ओते मोबाइल भूल गेले की ले लेल के भगवान जान। अच्छा, तो वो मोबाइलो वाला फोन उठेल के ना तो कल के कि तुम्हारा बच्चा मट्टी पी के चला गया है, हम हमरे लाएगा पैसा देगा तभी मां देगा आपको मोबाइल। बता के हमारे बेटा कल के बार का कि जो हम पैसा दो बार दे दो तो रखियो पकड़, कल के कहाँ गया नहीं है कोई पता नहीं है। कल के मोबाइल से बात करते रहे मां वहां लाबे छी मोबाइल स्विच ऑफ कर लेल के मोबाइल ओवर काच ये 12000 वाला। हां के दुगो बेटा आयत रहे संगे। हां दुगो आबरे बड़का आबे रे। अच्छा, बड़का के की नाम है? सुभाष यादव। हां, छोटा जे गायब भेले ओकर नाम? ओकर नाम छे बच्चे लाल कुमार, सुभाष कुमार। कितने उम्र हेते बच्चे लाल के अंदाज? करीब 16-17 साल हेते। ओतने? हां, तो वो सब कतो काज करत रहे? काज करे रे वाइस ठेकेदार कोटा में। कोटा में की काज करत रहे? सब घर आउट होय रे। अच्छा, मतलब हम माल के मोतिया के काम। हाँ। की चाहो घर आवेत रहे? घर आवे काले की बाबू के लेके चली आ घर, वो तो अथी करे छ तो जा अपना छठ उठ त्यौहार उवार है अपना करने के लिए घर आ रहा। हां, घर आ पावन के ओ दिवाली से पहले। दिवाली से पहले ही आवे रे बाबू। 20 तारीख की ये बात है तो काले की जे दिवाली में चला दोनों भाई घर। हां, कति लो पावन में लो घर आवे छ तो आवे जाय रे। तो ओकरा बाद अहाँ के से जो आखिरी बार बच्चे जाल के जो आखिरी बार बात भेल अहाँ से वो कहिया भेले? कह रहे कि वो दिवाली से कई दिन पहले? दो एक दिन दो दिन पहले भेले। हमरा कल के 30 तारीख। अच्छा, हमरा कल के कि मैं गया आबे छियो, हमे उतर गेले गाड़ी पे हम बात के लिए ना, कल के मोबाइल स्विच ऑफ भए गेले तो फिर चार्ज कल के वो गाड़ी वाला कल के चार्ज कए दे हमर मैं कान है तो हम उतर गेले गाड़ी पर से। गाड़ी वाला के चल के? हां, गाड़ी वाला होटल में नहीं लगेने रहे चार्ज? चार्ज ने गाड़ी वाला ले चार्ज गाड़ी वाला के दिल के जे कनी चार्ज कर दो मोबाइल में आसे बात कर। हां, तब गेले होटल वाला ले चार्ज क्या के। पर ई त नै जे गाड़ी में मोबाइल नै, गाड़ी वाला चार्ज क्या के हमरा से बात क्या के तब बाबू गेले खाय ल। अच्छा, खाय ले गेले न वो त खेल के आ मट्टी कत पिल के मठिए वाला।
कल के की गुंडा लड़का है हमको पैसा लेके भाग गया हमर बच्चा कल के बड़का हमर बेटा छे दे दबो जे कहलक जे मट्ठी पी के गेले से उ मांगने रहे मट्ठी जे अपने मन से दिलके मट्ठी की अच्छा ना मट्ठी जो खाता है अच्छा अच्छा वो खाने तरह होता है तला हुआ पक उसके तरह होता है नमकीन नमकीन की तरह या कुछ अच्छा जो भी हो तो ये उसके आखिरी बार जो बात आपसे हुआ वही जो मोबाइल चार्ज किया कानपुर स्टेशन से है ना उसके बाद कोई बातचीत नहीं बात नहीं अच्छा घबराइए मिल जाएगा जो लोग भी हमारे इस खबर को देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी तो उस पे पता चलेगा एड्रेस चलेगा फोटो चलेगा वो लोग घबराइए नहीं नहीं परेशान आप अपना नाम बताइए मेरा नाम विकास कुमार है घर घर बरहरा हुआ अच्छा वो जो लड़का गायब हो गया वो आपका आपसे छोटा भाई था हाँ सबसे छोटा भाई अच्छा तो आपसे उनकी बातचीत हुई थी बातचीत हुई थी तो वो 28 तारीख को ठीक से बात नहीं कर रहा था अच्छा तो जाकर नहीं बात किया सबसे घर पे बात भी किया सही से 29 तारीख को जो है नवाबगंज में जो है वहाँ जो बात हुआ है अच्छा सुबह को करीब 5-6 बजे सुबह में 6 बजे नवाबगंज में था तो अच्छा उस वक्त आपका भाई जो ट्रेन में था बड़ा वाला उसको कुछ पता नहीं चला उसको पता चला जाकर पटना जंक्शन पे पटना जंक्शन पहुंच गया तब पता चला और उसी बीच में सोए हुए हालत में नहीं वो जो है ना जैसे कि वहाँ से आ रहे थे तो वो बोल रहा था हम घर जा रहे हैं घर पे आ रहे पहुंचने वाला है ए, बच्चे ला लिया था हाँ बच्चे ला लिया था तो आपके भाई से आपका जब संपर्क हुआ बड़े वाले भाई का तो बीच में बड़े वाले भाई से आप लोग संपर्क नहीं किए एक बार भी हाँ तो वो तो बात हो रहा था बीच में बातचीत हो रहा था तो पटना में उसको आके पता चला नहीं तो उस बात जैसे कंफर्म था वहाँ जो कानपुर जंक्शन पे सेंट्रल जो है वहाँ पे उतरा है अच्छा यहाँ से वहाँ से गया नवाबगंज नवाबगंज से बात भी हुआ अब बात जो हुआ तो उसके तो फिर नवाबगंज से जब आखिरी बार बात हुई माता से बात किया आपसे भी बात किया हाँ मेरा से भी बात हुआ उस फिर उसके बाद आप बड़े वाले भाई को ट्रेन में कॉल नहीं लगाए वो तो घर पे चला आया रिटर्न हम बोले उसको जाओ वहाँ पे मिल जाएगा अच्छा हम महाराष्ट्र से आ रहे पटना जब उतरा वो कोटा से पटना के बीच में एक लंबा समय लगता है पूरी रात चला पूरा रात चल के आया तो पूरा रात में एक बार भी भाई को नहीं खोजा तो कहाँ उतर गया नहीं है क्या वो ये बताइए ना किया हमको चुपचाप उतर गया फिर भी तो खोजना चाहिए ना कि चुपचाप कहाँ उतर गया एक साथ बोगी में एक ही बोगी में ना आ रहा था मतलब वो सो गया था हाँ तो सो गया तो सो गया तो उस बीच में उसको पता नहीं चला वो कहाँ उतरा आपसे फोन पर कोई संपर्क नहीं हुआ नहीं उस बीच में नहीं हुआ अच्छा अच्छा वो होटल वाले से बातचीत किए तो क्या बोला उसको मैं पैसा भी भेजा अच्छा जैसे पैसा बोला मेरे को पैसा नहीं है तो हमको पैसा भेजो खाने के लिए कुछ नहीं है मेरा छोटा भाई बोला तो कैसे ट्रांसफर किया हाँ पैसा भी ट्रांसफर किया उसका नंबर भी है मैंने फोन पे से हाँ फोन पे से उसी लड़के के नंबर पर आपके भाई के नहीं दूसरा लड़का जो होटल वाले जो था ना तो होटल वाले के नंबर पर हाँ पैसा भेजा वो जो मट्ठी या क्या क्या खाया पिया उसको उसका पैसा दे दिया हाँ उसको पैसा दे दिया और जब वहाँ से हम बोले जैसे बोले कि यहाँ कानपुर जंक्शन आ जाओ वहाँ से हम ले आएंगे तो वहाँ तो आया बात भी हुआ सुबह में जो मट्ठी आया चाय पिया तो उस टाइम जो था करीब 8 बज रहा ये लोग चला था क्या तारीख को ये 27 तारीख को चला ठीक है 27 को कोटा से पटना के लिए लोग चला रवाना हुआ ठीक है होटल में जाके मट्ठी खाया वहीं से वो गायब है हाँ वही से गायब तो गायब होने के बाद फिर दोबारा जब आप उस होटल वाले उस नंबर पे उस मोबाइल पे होटल में फोन करते हैं तो वो बोला यहाँ दोबारा फिर आया नहीं है अच्छा तो वो मोबाइल नंबर पे कॉल करने पे क्या बताता है उस टाइम बताया यहाँ कानपुर सेंट्रल जो अति स्टॉप है वहाँ जो है उतरा है अच्छा, ये बताइए कि लड़का दिमाग से थोड़ा ढीला मतलब हल्का कम बुझता है दिमाग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था नहीं मतलब दिमाग से थोड़ा सा वो कमजोर था हाँ कमजोर
आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7, और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। जय हिंद, जय बिहार, हैप्पी छठ।